Welcome to the Home Academy. Today, ma'am will teach you about the computer, the basic of the computer. It is an electronic device that processes the input according to the set of instruction is provided to it and gives the desired output at very high speed. तो यहाँ पे word आया है instruction. Instruction का मतलब क्या होता है? What is instruction? Instruction का मतलब होता है set of words is called instruction. तो हम लोग सेट ऑफ वर्ड को इंस्ट्रक्शन तो बोल रहे हैं, लेकिन वो कौन से वर्ड होंगे जिन्हें हम लोग इंस्ट्रक्शन बोलते हैं? सेट ऑफ वर्ड बोल देने से समझ में नहीं आ जा रहा है कि इंस्ट्रक्शन क्या है. वर्ड कुछ भी हो सकते हैं और कोई भी वर्ड हम लोग इंस्ट्रक्शन के लिए यूज करते हैं. सबसे पहले ये बात दिमाग में आती है कि इंस्ट्रक्शन क्या है. तो इंस्ट्रक्शन मान लीजिए आप अपनी क्लास में हैं, क्लास में आप क्लास में है और आपके पास पेन नहीं है, तो आपने अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज मुझे एक पेन दे दो. तो ये क्या हुआ, आपने उसे इंस्ट्रक्शन दिया कि प्लीज मुझे एक पेन दे दो, तो उसने आपको पेन दिया. तो ये उसका आपने इंस्ट्रक्शन दिया जिसे उसमें आपने क्या किया, सेट ऑफ वर्ड बोले प्लीज मुझे एक पेन दे दो. तो ये क्या थे, सेट ऑफ वर्ड इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन. सेट ऑफ वर्ड्स. यहाँ अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इंस्ट्रक्शन क्या होता है. सेट को हम लोग इंस्ट्रक्शन बोलते हैं. वर्ड चाहे कुछ भी हो उसे एक सीक्वेंस में एक मैनर में अरेंज करके अब हम लोग देखते हैं डेटा. डेटा क्या होता है? डेटा कुछ भी हो सकता है. डेटा फॉर्म ऑफ फैक्ट्स को हम लोग डेटा बोलते हैं, लेकिन जो मैंने लाइन बोली रॉ फैक्ट्स को हम लोग डेटा बोलते हैं. इससे आपको समझ में नहीं आया कि डेटा होता क्या है. डेटा का एक्चुअल मीनिंग है डेटा कुछ भी हो सकता है. कोई भी वर्ड, कोई नेम, कोई भी प्लेस, कोई भी थिंग, कुछ भी हो सकता है डेटा. जैसे कि मैंने बोला कि बुक, थ्री. तो ये है हमारा डेटा. डेटा क्या है? रॉ फॉर्म ऑफ फैक्ट्स कॉल्ड डेटा. और ये उसके कुछ एग्जांपल हैं. रॉ फॉर्म ऑफ फैक्ट्स कॉल्ड डेटा, ये उसके कुछ एग्जाम्पल हैं. बुक, टेबल, थ्री. बुक आप सब जानते हैं, टेबल एंड थ्री. मैंने तीन एग्जाम्पल यहाँ पे लिए हुए हैं, बुक, टेबल एंड थ्री. तो बुक मैं अगर अपने फ्रेंड को बोलूं बुक, तो क्या उसे समझ में आएगा कि मैं उससे बुक मांग रही हूँ या उसे पूछ रही हूँ तुम्हारे पास वो बुक है क्या, या फिर उसे बता रही हूँ कि तुम और कुछ, वो उसका मीनिंग क्या निकालेगी ये मुझे नहीं पता है. लेकिन मैंने सिर्फ एक वर्ड का वो है बुक. तो इस चीज को हम लोग बोलेंगे डेटा, मतलब जिसका अपना खुद का एक मीनिंग होता है पर वो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है, ये चीज कहलाती है डेटा. डेटा कुछ भी हो सकता है, ये चीज मैंने आपको पहले बताया. वो नेम हो सकता है, प्लेस, थिंग्स, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है डेटा. मैंने यहाँ पे थ्री ले लिया, मैं ले लू 0.5, यहाँ पे ले लू टी, और कुछ भी चीज हमारी डेटा हो सकती है. तो डेटा का हम लोगों ने एक छोटा सा डेफिनेशन लिखा है, रॉ फॉर्म ऑफ फैक्ट्स आर कॉल्ड डेटा. अगर इट इज नंबर, नेम, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है वो. तो ये चीज हम लोगों को समझ में आ गया कि
कि डेटा क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इंफॉर्मेशन क्या होता है। इंफॉर्मेशन कलेक्शन ऑफ डेटा या फिर डेटा को प्रोसेस करने के बाद जो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है उसे हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन। जैसे कि मैंने आपको पिछले डेटा में कुछ एग्जांपल लिए थे, टेबल, बुक, ट्री, ये मैंने तीन एग्जांपल लिखे थे। तो मैं अगर इसी चीज को एक मैनर में एक सेंटेंस की तरह जमा कर लिखूं, अरेंज करके लिखूं, एक सेंटेंस बन जाएगा, थ्री बुक्स ऑन द टेबल। तो ये एक सेंटेंस बन गया, इसका एक कंप्लीट मीनिंग है कि तीन बुक टेबल पर रखी हुई है, इसका मीनिंग है, एक सेंटेंस बन चुका है, एक इंफॉर्मेशन बन चुकी है। मैंने अपने फ्रेंड से कहा कि थ्री बुक्स ऑन द टेबल, तो उसे समझ में आ गया कि टेबल के ऊपर तीन बुक रखी हुई है। ना तो ये इनकम्प्लीट है और ना ही ये डेटा है, डेटा के कलेक्शन से ही मिलकर हमारा इंफॉर्मेशन बनता है। तो हम लोग बोल सकते हैं बेसिकली डेटा इंफॉर्मेशन होता क्या है, डेटा को हम लोग मीनिंगफुल तरीके से अरेंज कर दें तो वो होती है हमारी इंफॉर्मेशन, और उस इंफॉर्मेशन को हम लोग कंप्यूटर को देते हैं या फिर उसका यूज हम लोग किसी भी दूसरी चीजों के लिए करते हैं। तो ये आप लोगों को इंफॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। अब इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। इंफॉर्मेशन को मैं आपको बता चुकी हूँ और ये है उसका छोटा सा डिटेल। डेटा रिप्रेजेंटेड इन यूजफुल एंड मीनिंगफुल फॉर्म इन इज इंफॉर्मेशन। तो ये है, आप लोगों को इसे समझ में आ गया होगा, अगर डेटा को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यूजफुल और मीनिंगफुल तरीके से तो वो कहलाता है इंफॉर्मेशन। और जब हम लोग डेटा को लेकर के एक इंफॉर्मेशन को बनाते हैं तो वो कहलाता है डेटा प्रोसेसिंग। इस चीज को हम लोग बोलेंगे डेटा प्रोसेसिंग। मान लीजिए जब हम लोग कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करते हैं, वैसे अभी तक आप लोगों ने प्रोग्रामिंग की नहीं होगी, पर जब हम लोग कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करते हैं तो जो हमारा प्रोग्राम होता है वो वर्ड्स का कलेक्शन होता है, डेटा का कलेक्शन होता है। डेटा एक प्रोग्राम के शुरू से लेकर एंड तक जितनी भी चीजें लिखी होती हैं वो सारी चीजें डेटा होती हैं। डेटा कुछ भी हो सकता है, आइदर सिंबल, नेम, वर्ड, कीवर्ड, कुछ भी हो सकता है। तो जब डेटा से मिल करके डेटा को प्रोसेस करके जो इंफॉर्मेशन, जो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है उसे हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेटा का जब हम लोग प्रोसेस करते हैं इंफॉर्मेशन बनाने के लिए तो वो चीज कहलाती है डेटा डेट प्रोसेसिंग। तो ये है डेटा प्रोसेसिंग, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दिस कन्वर्जन